अपने जो है, मैंने हर्षवर्धन जी ने बयान देकर कहा है कि हमारे पास 13.5 करोड़ वैक्सीन आया, जिसमें 10 करोड़ वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ, 3.5 करोड़ वैक्सीन है, उसमें कुछ पाइपलाइन में है, खुद उन्होंने कहा है। सरकार ही बता रही है कि 6 करोड़ माने 45 लाख वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट कर दिया गया या दूसरे देशों को डोनेट कर दिया गया। इसलिए अगर नहीं है, माने वैक्सीन की कमी नहीं है, तो क्यों वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में के गाजियाबाद में पिछले 9 दिनों से वैक्सीन सेंटर बंद है। बिहार में बिहार सरकार का कहना था कि 4 दिन जो तथाकथित उत्सव मनने जा रहा है टीका का, उसमें लक्ष्य है कि हम प्रतिदिन 4 लाख जो है वैक्सीनेट करें लोगों को, मतलब 16 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है। उनके स्टॉक में 2.5 लाख या 3 लाख मात्र वैक्सीन बचा हुआ था। इन्होंने पहले 30 लाख वैक्सीन का डिमांड किया और आया है 3 लाख। कैसे नहीं संकट है भाई? अरे देश में जो परिस्थिति है, आप आंख में धूल झोंक करके आपने जो गलत काम किया है, अपराध किया है कि अपने देश के लोगों की चिंता आपने नहीं की और आपने एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना चेहरा चमकाने के लिए डोनेट करते रहे, और यहाँ जो है संकट है लोगों के जान पर। इसलिए हेल्थ मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। अब उनको मैंने नरेंद्र मोदी ने ठांसा होगा कि भाई क्यों इस तरह का बयान दिए, तो उसकी सफाई में ये बयान दे रहे हैं। ICMR के DG ने कहा है कि आपको यह समझना होगा कि यह टीका जो है रोग को ठीक संशोधित टीके हैं। दोनों खुराक लेने के बाद एंटीबॉडीज विकसित होती है और संक्रमण की संभावना कम होती है, गंभीर संक्रमण और मृत्यु की संभावना भी कम होती है। टीकाकरण के बाद अस्पताल में भर्ती होने की संभावना भी 85% कम हो जाती है। नो है, टीका जिन लोगों ने लिया पहले दौर में, जिन लोगों ने टीका लिया उनमें कुछ लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन ये बात सही है कि माने गंभीर स्थिति उनकी नहीं आई है। गंभीर स्थिति की रिपोर्ट कम से कम मैंने नहीं देखी, इसलिए इस बात में सच्चाई है कि साहब 2 डोज आपने टीका ले लिया तो उसके बाद भी अगर संक्रमण होता है तो गंभीर स्थिति नहीं बनती है, ये बात सही है। BJP नेता और होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि दीदी मुझे बाहरी व्यक्ति कहती हैं, वह PM को बाहरी व्यक्ति कहती हैं। दीदी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाहरी व्यक्ति कौन है। कम्युनिस्टों की विचारधारा बाहरी है, जिसे चीन और रूस से लाया गया है। कांग्रेस का नेतृत्व बाहरी है, इटली से आया है। TMC का वोट बाहरी है, जो घुसपैठिए है। अमित शाह जी गृह मंत्री जरूर हैं, लेकिन ज्ञान की बहुत कमी है उनमें। ये जो इनकी विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है, ये हिंदुस्तान से पैदा नहीं हुई है। हिंदुस्तान की जो विचारधारा है, धार्मिक दर्शन है, वो तो तुलसीदास का है। सब मैंने सब कोई को वो राम में ही देखते हैं, यानी तो सारे दुनिया को राम में देखते हैं, और वो मानते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये इटली से आया हुआ है, और डॉक्टर मुंजे इनके जो सिद्धांतकार हैं, वो जाके मुसोलिनी से मिले थे और उन्होंने RSS के गठन का जो आइडिया है वहीं से लिया है। और उसका प्रमाण ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पोशाक है, हाफ पैंट और बेल्ट और कमीज, ये हिंदुस्तानी पोशाक नहीं रहा है। इधर लोगों ने व्यंग किया और राबड़ी देवी का बयान आया कि ये सब हाफ पैंट पहन के बूढ़े बूढ़े लोग घूमते हैं, उस पर उन्होंने व्यंग किया, तो अब फुल पैंट पहन लिया। फुल पैंट भी भारतीय ड्रेस नहीं रहा है। 1925 में भारतीय जो है वो बहुत कम लोग थे जो फुल पैंट पहनते थे। तो ये आपकी भी विचारधारा जो है वो आयातित है। इस देश में मैंने घृणा की धारणा कभी नहीं रही, नफरत का जो है हमारे धर्म ने, हमारे दर्शन ने, हमारे मिट्टी ने कभी सिखाया नहीं। इसलिए बाहर से आप आए हैं इस देश में। दूसरी विचारधारा जो है वो तो मैंने कम्युनिस्ट आई और जो कुछ भी हुआ वो तो एक अलग है, लेकिन आपकी विचारधारा भी इस देश के मिट्टी से उत्पन्न नहीं हुई है। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे का जो प्रतिबंध लगाया है, इसके विरोध में ममता बनर्जी ने धरना दिया है। उस धरना का हम समर्थन करते हैं। चुनाव आयोग जिस ढंग से बिल्कुल नखविहीन और दंतविहीन हो गया है, निर्वीर्य हो गया है,
उसने अपने औचित्य को साबित करने के लिए ममता बनर्जी पर पाबंदी लगाई है। उसका कहना है कि नहीं साहब, धर्म एक खास धर्म के लोगों को आप संबोधित कर रही हैं। तो भाई, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, योगी आदित्यनाथ, ये क्या धार्मिक सद्भाव का नारा लगा करके चुनाव जीतते हैं? पूरा का पूरा इनका भाषण सुन लीजिए। इनका पूरा का पूरा प्रयास यही रहता है कि किस तरह से सांप्रदायिक आधार पर हम हिंदुओं के वोट को अपने पक्ष में ध्रुवीकृत करें, और पूरे देश में चुनाव इसी ढंग से हो रहा है। आप उन पर नहीं बोल सकते हैं। आप जो है जय श्री राम का नारा लगा, वहां प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यहाँ क्या परहेज है भाई, तो जय श्री राम तो इस देश का नारा कभी नहीं रहा है। ये तो राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय से हुआ, हमारे यहाँ जय सिया राम का रहा है, हमारे यहाँ लोग भजन गाते रहे हैं, जय सिया राम जय जय सिया राम, ये कीर्तन होता रहा है। तो हमारे यहाँ जय श्री राम जो एकदम युद्ध का उद्घोष आपने बना दिया, जैसे शिवाजी का युद्ध का उद्घोष था हर हर महादेव, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के युद्ध का उद्घोष हो गया है जय श्री राम। तो ममता बनर्जी को सिया राम के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जय श्री राम, राम जैसे मर्यादित व्यक्तित्व को आपने युद्ध का स्लोगन बना दिया, उस पर जरूर एतराज है। बिहार विधान परिषद कार्यालय में 25 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, आज ही एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई है। स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई कि बिहार विधान परिषद के सारे कार्यालय को बंद कर दिया गया। अगले 18 बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके पहले दौर में, पहला जो दौर आया, उस समय हम लोग बड़ा गर्व से कहते थे कि बिहारियों के अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत मजबूत है, हमारी इम्यूनिटी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इसलिए सबसे कम जो है मैंने हमारे यहाँ संक्रमण का दौर भी रहा और मृत्यु का दौर भी रहा। लेकिन ये जो दूसरा दौर है ये बहुत ही खतरनाक है, और हम भी अपनी अपनी ओर से और अपने पार्टी की ओर से लोगों से अपील करेंगे कि जो प्रोटोकॉल है माने मास्क लगाने का और इसका जो है उसका जो है निश्चित रूप से पालन करें, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं विशेष रेलगाड़ियों से बिहार में, सरकार को चाहिए कि ईमानदारी के साथ जो है उनका माने जांच करावे, और भारत सरकार को चाहिए कि बिहार सरकार को पर्याप्त मात्रा में जो है टेस्ट कराने की सुविधा जो है वो दे। ऐसा नहीं कि टीका उत्सव करते रहें, टीका नदारत हो तो उत्सव कैसे मनेगा, तो मृत्यु शोक बनेगा। देखिए, अभी राज्य और केंद्र में तूतू ममे की स्थिति खत्म होनी चाहिए। टीकाकरण एक आवश्यकता है, ये कोई लग्जरी नहीं है। राज्यों को चिक चिक करने बंद करनी चाहिए, केंद्र को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों को जितनी टीका की ज़रूरत है उतने उनको मिलते रहे, और टीकाकरण की रफ्तार दोगुनी होनी चाहिए, क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास एक ही शस्त्र है, वो है टीका। MR के डीजी ने कहा है कि आपको यह समझना होगा कि यह टीका जो है रोग संशोधित टीका है, दोनों खुराक लेने के बाद एंटीबॉडीज विकसित होती है और संक्रमण की संभावना कम होती है, गंभीर संक्रमण और मृत्यु की संभावना क्षीण रहती है, टीकाकरण के बाद अस्पताल में भर्ती होने की संभावना भी 50% की कमी है। निश्चित तौर पर टीका लेने से एक शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, रोग से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है, इसलिए टीकाकरण इसलिए और भी जरूरत हो जाता है, क्योंकि हमारी मृत्यु दर लगभग 0 पे आ जाएगी, जो अभी 1.2% हो गई है, और गंभीर संक्रामक संक्रमण से आप बच सकेंगे। बीजेपी के नेता और होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि दीदी मुझे बाहरी व्यक्ति कहती हैं, वह पीएम को बाहरी व्यक्ति कहती हैं। दीदी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाहरी व्यक्ति कौन है। कम्युनिस्टों की विचारधारा बाहरी है, जिसे चीन रूस लाया गया। कांग्रेस का नेतृत्व बाहरी है, इटली से आया है। टीएमसी का वोट बैंक बाहरी है, जो घुसपैठिया है। तो गलत क्या कहा? गृह मंत्री ने ठीक कहा, टीएमसी का वोट बैंक तो बांग्लादेशी है। पिछले साल पिछले चुनाव में भी बांग्लादेश से एक्टर एक्ट्रेस बुला के वो प्रचार करवा रही थी। गलत क्या कहा? सच्चाई चुभेगी जरूर, लेकिन सच तो है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के 24 घंटे के चुनाव प्रचार प्रतिबंध के खिलाफ धरना दिया। देखिए, ये सब नौटंकी है, राजनीति में सब चलते रहता है। धरना पे बैठेंगी तभी ना टीवी में आप लोग दिखाएंगे उनको दिन भर, नहीं तो कौन पूछता। इसी बहाने घूमने रही है लेकिन दिख रही है दिन भर। बिहार में कोरोना महामारी भयंकर रूप लेते जा रहा है। बिहार विधान परिषद के 25 कर्मचारी
कोरोना पॉजिटिव पाए गए, दो लोगों की मृत्यु हो गई है, आज ही एक क्रम सहायक की मृत्यु हुई है। इसके बाद विधानसभा के सभापति परिषद के सभापति ने अगले 18 अप्रैल तक विधान परिषद के सारे कार्यालय बंद करने का आदेश दिया। निश्चित तौर पर गंभीर स्थिति पूरे देश के लिए, बिहार उससे अछूता नहीं है। कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए देख हम सबका ये दायित्व तो बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बचाव करें, सजग रहें, सचेत रहें। बिहार उन चंद राज्यों में से है जहाँ पर संक्रमण अभी भी कम है, तो हमें और सजग रहने के संक्रमण को ख़त्म करना है। चेन तोड़नी है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और वैक्सीन लेनी है।